Hi guys, what's up? Okay, so welcome to the board series of JK Career Institute again. So, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए फिजिकल केमिस्ट्री का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन। ओके, आज की हम अपनी क्लास में रिवाइज करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के बहुत ही अच्छे और इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और साथ ही जिनके पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। सो आर यू गाइज रेडी? ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन जो मैं आज कराऊंगा, आप सब स्क्रीन पे देखते रहिएगा, क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, वो है मोलैरिटी इन मोल पर लीटर ऑफ डिस्टिल्ड और प्योर वाटर इज। ओके, ऑप्शंस हैं 55.56, नेक्स्ट इज 18, देन सेकंड 49.87 एंड डी इज 81। हमसे पूछ रहा है प्योर वाटर की मोलैरिटी, मोलैरिटी मीन्स कंसंट्रेशन इन मोल पर लीटर कितना होता है। ओके, चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ मुझसे पूछ रहा है प्योर वाटर की मोलैरिटी के बारे में। ओके, मोलैरिटी क्या होता है आप सभी को पता होगा, मोलैरिटी मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स। ओके, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, यहाँ पर मुझसे प्योर और डिस्टिल्ड वाटर की मोलैरिटी के बारे में पूछ रहा है और मुझे वाटर का कंसंट्रेशन भी गिवन नहीं, सो मीन्स वॉल्यूम भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि कितना होगा। सो अगर वॉल्यूम गिवन नहीं है तो आई अज्यूम इट दैट वॉल्यूम कितना है वाटर का, 1 लीटर। ओके, जब भी गिवन ना हो तो आप 1 लीटर अपने तरफ से अज्यूम करेंगे। ओके, तो चलिए अगला काम अब हम यहाँ पर जो अपना करेंगे, अगर मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है डिस्टिल्ड वाटर की तो मुझे फर्स्ट ऑफ उसके नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए। ओके, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द सब्सटेंस अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। ओके, यहाँ पे मुझे वाटर का वॉल्यूम तो पता है बट क्या वेट पता है, नहीं। वेट मीन्स मास, अब हम कैसे निकालेंगे, तो मुझे पता है कि मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये होता है। ओके, अगर हमें यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है तो वॉल्यूम मुझे दिया हुआ है 1 लीटर इनटू डेंसिटी। डेंसिटी फ्रेंड्स आपको याद रखनी होगी कि वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर ml। ओके, 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम को भी ml में कन्वर्ट करता हूँ। 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 ml, ये आप सबको पता है, इनटू डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml। ओके, आप डेंसिटी की वैल्यू याद रखेंगे फॉर वाटर, फॉर वाटर डेंसिटी इज 1 ग्राम पर ml, तो यहाँ से जो मास मेरा आता है वो होता है 1000 ग्राम्स। ओके, 1000 ग्राम, तो यहाँ पे मुझे वाटर का मास पता चल चुका है। ओके, तो अब मैं मॉलिकुलर वेट के ऊपर जाऊँगा क्योंकि अगर मुझे मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो मुझे मॉलिकुलर वेट भी पता होना चाहिए। सो मॉलिकुलर वेट ऑफ वाटर, अगर हम वाटर के मॉलिकुलर वेट की बात करें तो कितना होगा, सो वाटर केमिकल फॉर्मूला H2O। ओके, अगर यहाँ पे आप देखें तो जो टोटल मॉलिकुलर वेट होगा 1 हाइड्रोजन इंटू 2 प्लस 1 ऑक्सीजन 16, मीन्स कितना, 18 ग्राम्स। ओके, तो मॉलिकुलर वेट कितना हो गया वाटर का, 18 ग्राम्स, समझ में आ गई बात। तो अब मैं यहाँ से फाइनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपली बाय पुटिंग इन फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू, ओके, गिवन वेट, गिवन वेट कितना वाटर का, 1000 ग्राम अपॉन मॉलिकुलर वेट इज 18, समझ में आ गई बात आपको। सो इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ओके, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो आसान हो। ये आ गए वाटर के मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए यहाँ से अब मैं फाइनली कैलकुलेट करूँगा मोलैरिटी। मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि कितना है, 1000 अपॉन 18 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ध्यान रखिएगा कभी भी इन मोलैरिटी आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में ही पुट अप करना होता है। ओके, वॉल्यूम कितना है वाटर का, 1 लीटर यहाँ पर, तो यहाँ पे अपॉन 1। ओके, और जब आप फाइनली इसे कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल कम आउट टू बी 55.5 अप्रॉक्स। ओके, और मोलैरिटी मीन्स मोल पर लीटर, और यू कैन सिंपली राइट इट कैपिटल M, समझ में आ गई बात आपको। तो इस तरह से हमारा जो ये क्वेश्चन है उसके लिए ये होगा हमारा फाइनल
answer means option A is correct. समझ में आ गई बात आपको? Just simply यहाँ पर इस question में जो trick थी, पहली बात तो ये question बहुत ही अच्छा था. क्यों? क्योंकि हमें ना mass ना ही volume कुछ भी given नहीं था. हमसे सिर्फ simply water कह रहा था और हमसे molarity के बारे में पूछ रहा था. जब भी आपको solvent ना given हो, solvent की जगह आप water assume करेंगे because water is regarded as universal solvent. और अगर आपको concentration, volume वगैरह ना given हो, for example volume इस question में नहीं given था, तो हम अपनी तरफ से 1 liter से अज्यूम करेंगे. समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरह से ये एक बहुत ही बेस्ट बढ़िया क्वेश्चन बन जाता है जो कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसके बाद अपना. बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था ये. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ 0.1 मोलैरिटी AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एंड 0.1 मोलैरिटी NaCl मींस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन सेम वॉल्यूम. मुझसे कह रहा है अगर मैं इक्वल वॉल्यूम्स में 0.1 मोलैरिटी AgNO3 और 0.1 मोलैरिटी NaCl सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स करता हूं, तो देन व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रेट आयंस. तो नाइट्रेट आयंस का जो कंसंट्रेशन है इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में वो कितना होगा? अगेन अ वेरी बेस्ट क्वेश्चन. कैसे करेंगे इसे? चलिए देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन. और हम चैप्टर भी कौन सा पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन. ओके, चलिए देखते हैं. मुझसे कह रहा है मेरे पास एक सॉल्यूशन है और इन द सॉल्यूशन इज 0.1 मोलैरिटी AgNO3 सॉल्यूशन मींस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन. ओके, ये एक है. सेकंड सॉल्यूशन इज माय 0.1 मोलैरिटी सेम कंसंट्रेशन NaCl मींस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. ओके, सपोज करिए अगर इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? V. ठीक है, तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी कितना है? V, क्योंकि मुझसे कह रहा है मुझे दोनों के इक्वल वॉल्यूम्स को मिक्स करना है. समझ में आ गई बात आपको? इन दोनों सॉल्यूशंस को मिक्स करके इक्वल वॉल्यूम में मैंने एक नया सॉल्यूशन बनाया. ओके, दोनों को जब मैंने इसमें मिक्स किया तो फाइनली ये मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन जो है वो बनके तैयार हो गया. ओके, अब देखिए इस सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है? सो वी इस सॉल्यूशन का प्लस वी इस सॉल्यूशन का इक्वल टू 2V. समझ में आ गई बात आपको? ओके, अब फाइनली क्वेश्चन में मुझसे पूछ रहा है कि नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में, ओके, NO3- आयन का कंसंट्रेशन इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में कितना होगा? समझ में आ रही बात आपको? ओके, चलिए देखिए कैसे करते हैं सॉल्व हम इस क्वेश्चन को. अब अगर मेरे से नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन पूछ रहा है तो नाइट्रेट आयन मुझे दोनों में से कौन सा सॉल्यूशन देगा? ऑब्वियस सी बात है, ये वाला सॉल्यूशन. ओके, चलिए एक बार हम पता करते हैं कि पहले नाइट्रेट आयन का कंसंट्रेशन कितना है. ओके, तो अगर हम बात करें AgNO3 की, तो AgNO3 व्हेन आयोनाइज गिव्स Ag+ एंड NO3-. ओके, अगर AgNO3 का कंसंट्रेशन 0.1 मोलैरिटी है, सो Ag+ विल आल्सो 0.1 मोलैरिटी एंड नाइट्रेट आयन भी कितना होगा? 0.1 मोलैरिटी सॉल्यूशन में. मींस कहने का मतलब क्या है? इस V वॉल्यूम में AgNO3 का जो कंसंट्रेशन है, सॉरी NO3 नाइट्रेट आयन का, वो कितना है? 0.1 मोलैरिटी. ओके, इस V वॉल्यूम में. समझ में आ गई बात आपको? तो अगर मैं इसे इस 2V में मिक्स कर रहा हूं, ओके, मींस फाइनली ये जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन मैंने बनाया इसमें मुझे कंसंट्रेशन पता करना है, तो प्रीवियस कंसंट्रेशन भी मुझे पता होना चाहिए. ओके, चलिए अगर हम इसका कंसंट्रेशन यहां से चेक करें कितना होगा, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, मोलैरिटी कितनी है नाइट्रेट आयन की? 0.1. ओके, इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO3 अपॉन में V. समझ में आ गई बात आपको? अब देखिए मुझे अगर इस सॉल्यूशन में मुझे कंसंट्रेशन पता करना है नाइट्रेट आयंस का, तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए. ओके, बिकॉज मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन जिसका कंसंट्रेशन मुझे पता करना है अपॉन में क्या पता होना चाहिए? टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस रिजल्टिंग सॉल्यूशन. ओके, वॉल्यूम तो मुझे इसका टोटल पता है कितना है, 2V के बराबर, बट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन ये मुझे पता नहीं है. इस वजह से मैं इसे कहां से
गेट करूंगा यहां से, ओके पहले वाले इस क्वेश्चन से, बिकॉज़ देखिए यहां नाइट्रेट आयन का जो कंसंट्रेशन है वो यहां पे जितना था, अब वो फाइनली मुझे इसमें बताना है कि कितना होगा, तो हम ऐसे पहुंचेंगे। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स जो नाइट्रेट आयन के मुझे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 0.1 * V के बराबर। नंबर ऑफ मोल्स देखिए जितने यहां थे उतने ही इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन में भी रहेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स तो चेंज होने वाले नहीं है अगर मैं दोनों सॉल्यूशन को आपस में इंटरमिक्स भी कर देता हूं, बस वॉल्यूम चेंज होने की वजह से क्या होगा, इनका जो कंसंट्रेशन है नाइट्रेट आयन का वो चेंज हो जाएगा, समझ गए आप। तो नंबर ऑफ मोल्स मुझे फाइनली यहां से कितने मिले, 0.1 वी के बराबर, और जैसे ही मैं इसे यहां रखूंगा देन 0.1 वी अपॉन में नीचे कितना 2v, this v and this v get cancel out and the final answer is 0.1 by 2, okay, this can be write as 1 into 10 to the power minus 1 upon me 2 means 1 by 2 is 0.5 into 10 to the power minus 1 is equals to 0.05 मोलैरिटी, ओके। तो इस तरह से आपका जो आंसर सी है 0.05 मोलैरिटी वो करेक्ट हो जाएगा, समझ में आ गई बात आपको। कैसे करना था क्वेश्चन को, एक सॉल्यूशन दूसरा सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशंस को मैंने इक्वल वॉल्यूम में आपस में इंटरमिक्स किया तो वॉल्यूम गेट डबल, टू टाइम हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रेट आयन जो रहेंगे वो रिमेनिंग सेम ही रहेंगे दोनों सॉल्यूशंस में। नंबर ऑफ मोल्स आप यहां से कैलकुलेट करके प्रीवियस सॉल्यूशन से उसे उठा के यहां जब पुट करेंगे तो फाइनली आपको इस सॉल्यूशन में भी नाइट्रेट आयंस का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन मींस मोलैरिटी पता चल जाएगी, ओके। सो अगेन अ ग्रेट क्वेश्चन, ये था बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन जो है वो आपसे वन मार्क में ही पूछा जाता है, इतना बढ़िया क्वेश्चन होने के बावजूद भी, इसलिए आपको तैयारियों में अपने बहुत ही दम लगा के तैयारी करनी होगी, ओके समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा क्या होगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है द कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोलैरिटी H2SO4 सॉल्यूशन, ओके विल बी इन ग्राम पर लीटर। हमसे 0.2 मोलैरिटी H2SO4 सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो ग्राम पर लीटर में पूछ रहा है, ओके ग्राम पर लीटर में। जनरली कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी मींस इन ग्राम पर लीटर, सॉरी मोल्स पर लीटर, बट इन क्वेश्चन वो हमसे पूछ रहा है कि आप कंसंट्रेशन बताइए मुझे इन ग्राम पर लीटर, समझ गए। चलिए करते हैं हम इस क्वेश्चन को अपने, क्वेश्चंस आप सभी जब मैं पढ़ा करूं तो स्क्रीन पर देखते रह करिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम अपने सॉल्यूशन देखते हैं, मुझसे कह रहा है 0.2 मोलैरिटी H2SO4, ओके इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मुझे बताना है इन ग्राम पर लीटर, ओके अभी ये कंसंट्रेशन मुझे किसमें दिया हुआ है, इन मोल पर लीटर, समझ में आ गई बात आपको, ओके। व्हाट इज दिस वर्ड मींस 0.2 मोलैरिटी, इसका क्या मतलब है, इट सिंपली मींस दैट कि 0.2 मोल्स ऑफ H2SO4 आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, ओके इसका फ्रीक्वेंटली यही मतलब है। 0.2 मोलैरिटी मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में H2SO4 के 0.2 मोल्स जो डिसॉल्व हैं, ओके समझ में आ गई बात आपको, इसलिए इसका कंसंट्रेशन कितना है 0.2 मोलैरिटी। अब मुझसे इसी कंसंट्रेशन को ग्राम पर लीटर में कह रहा है, ओके सो अगर आप गौर फरमाएं यहां तो यहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके पास 0.2 मोल्स हैं किसके, H2SO4 के, ओके 0.2 मोल्स। नाउ आई हैव टू चेंज दिस मोल्स इनटू मास, अब अगर मैं इन मोल्स को मास में कन्वर्ट कर दूंगा तभी मैं कंसंट्रेशन बता सकता हूं इन ग्राम पर लीटर, और मोल्स को मास में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल फंडा है, ओके। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, ओके अच्छा अगर मेरे पास 1 मोल हो किसी सब्सटेंस का, सपोज करिए कि अगर मेरे पास किसी सब्सटेंस का 1 मोल है तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स की जगह मैं 1 पुट करूँ एंड इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ओके तो 1 मोल सब्सटेंस के लिए उसका मॉलिक्यूलर वेट और उसका वेट आपस में
बराबर हो जाते हैं, समझ में आ गई बात आपको। अगर इसी चीज को हम H2SO4 के केस में अप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है H2SO4 का, 98 ग्राम्स। आप सभी कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 हाइड्रोजन 1 सल्फर ऑक्सीजन 4, ओके 32 सल्फर का 4 ऑक्सीजन 64 और इसके बाद 2 हाइड्रोजन का, तो दिस विल कम आउट टू बी 98 ग्राम्स। ओके तो ये 98 ग्राम वेट होगा कितना, 1 मोल H2SO4 का, ऑल क्लियर। ओके सो 1 मोल H2SO4 का वेट कितना है, 98 ग्राम्स के बराबर। ओके देन 0.2 मोल्स H2SO4 का वेट कितना होगा, तो देखिए अब ये बन गया हमारे फिफ्थ क्लास का क्वेश्चन कि अगर एक पेन 2 रुपए का तो बताइए 5 पेन कितने के, 5 × 2। ओके सिंपली 1 मोल वेट 98 ग्राम्स, देन 0.2 मोल विल वेट, तो 0.2 × 98 ग्राम, समझ में आ गई बात आपको। ओके और जैसे ही आप इसे फाइनली यहां से सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो आंसर आएगा समथिंग 19.6 ग्राम्स। ओके 19.6 ग्राम्स, समझ में आ गई बात आपको। तो अब यहां से आप H2SO4 का कंसंट्रेशन जो है वो कितना एक्सप्रेस कर देंगे कि H2SO4 का जो कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन में ग्राम पर लीटर में वो कितना है, 19.6 ग्राम पर लीटर। ओके ये आपका आंसर होगा, समझ में आ गई बात आपको, बहुत ही सिंपल। अगर हम ऑप्शन वाइज देखें तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके डी ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपने देखा सिंपली उसने मुझे कंसंट्रेशन दे भी रखा है 0.2 मोलैरिटी और अगेन मुझसे पूछ भी क्या रहा है, कंसंट्रेशन ही बस यूनिट्स का चेंज है कि दे रखा है मोल पर लीटर में और मुझसे पूछ रहा है किसमें, ग्राम पर लीटर में कंसंट्रेशन को। ओके बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, अगर आपको ये ना समझ में आया हो तो एक बार आप वीडियो को रिवाइज करके फिर से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। और गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जाके पहले आप कर दीजिए, फिर उसके बाद आप जो है देखते रहिएगा। ओके चलिए लाइक तो करने में कितनी देर लगती है, स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन 1 मोलल सॉल्यूशन इज। ओके कोई सॉल्यूशन है जिसमें 1 मोलल सॉल्यूशन है, ओके 1 मोलल सॉल्यूशन मींस 1 मोलैलिटी सॉल्यूशन और उसमें मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, समझ में आ गई बात आपको। कोई सॉल्यूशन है 1 मोलल सॉल्यूशन और उसमें मुझे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है कि कितना होगा। ओके पहले तो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा अटपटा सा है, तो इस क्वेश्चन को चलिए थोड़ा मैं सिंपली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज करिए ये मेरे पास कोई सॉल्यूशन है, ओके और ये क्वेश्चन में मुझसे कह रहा है 1 मोलल सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं एंड वन ऑफ द टर्म इज मोलैलिटी। ओके मोलैलिटी, एक तो क्या होता है मोलैरिटी, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम स्टैंड्स फॉर मोलैलिटी, आप सबको पता होगा। मोलैलिटी में हम कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर मास ऑफ सॉल्वेंट, मींस मास ऑफ सॉल्वेंट, मास किसका, सॉल्वेंट का इन केजी। ओके जैसे मोलैलिटी में हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम रखते हैं लीटर में, वैसे ही मोलैलिटी लिखते समय मुझे मास रखना होता है सॉल्वेंट का इन किलोग्राम, समझ में आ गई बात। मोलैलिटी में हम वॉल्यूम को लीटर में, बट मोलैलिटी के केस में हम क्या करते हैं, लिखते हैं मास सॉल्वेंट का इन किलोग्राम, समझ में आ गई। तो ये 1 मोलल सॉल्यूशन मींस 1 मोलैलिटी सॉल्यूशन। अब 1 मोलैलिटी सॉल्यूशन का मतलब देखिए क्या है कि 1 kg सॉल्वेंट में ओके 1 मोल है सॉल्यूट के। अगर आप यहाँ 1 और यहाँ 1 पुटअप करेंगे देन दिस विल कम आउट टू बी 1। ओके मीन्स 1 kg सॉल्वेंट में 1 मोल है किसका, सॉल्यूट का, और मुझसे उसी सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। ओके कि सॉल्यूट का जो मोल फ्रैक्शन है वो कितना होगा, मीन्स काई ऑफ सॉल्यूट, समझ में आ गई बात आपको। अब मोल फ्रैक्शन, अगर मान लीजिए इस सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स ए और बी हो और ए के इसमें एन ए मोल्स हो, बी के इसमें एन बी मोल्स हो और मुझसे ए का मोल फ्रैक्शन पूछे, तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना होता है,
Na means जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो कि इसमें कितने हैं Na plus Nb के बराबर. क्लियर. सिंपली अगर मुझसे B का मोल फ्रैक्शन पूछे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल्स टू Nb means जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स means Na plus Nb. समझ में आ गई बात आपको. तो अब मुझे इसी तरह से किसका मोल फ्रैक्शन बताना है, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन. ओके, सॉल्यूट का अगर देखिए मुझे मोल फ्रैक्शन बताना है तो एक तो मुझे इस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए कि कितने हैं. ओके, दूसरी बात कि मुझे ये तो सॉल्यूट है और दूसरा मुझे सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए. ओके, कि सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं. अब देखिए यहाँ सॉल्यूट भी मुझे मेंशन नहीं किया है बट मुझे सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो कितने हैं, 1 मोल्स है. कैसे गिवन है, क्योंकि मुझसे कह रहा है 1 मोलल सॉल्यूशन और 1 मोलल सॉल्यूशन मींस कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्वड इन 1 केजी सॉल्वेंट. ओके, अब देखिए मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर सॉल्वेंट मेंशन ना हो तो आप सॉल्वेंट को क्या मान के चलेंगे, वाटर. ओके, तो इस तरह से अब आपको सॉल्वेंट भी पता है कि यहां पे मेरा सॉल्वेंट कौन है, वाटर, और वाटर का मुझे मास पता है कितना है, 1 केजी. ओके, क्योंकि इट इज 1 मोलर सॉल्यूशन और 1 केजी मास में 1000 ग्राम जो यहां पे मेरे पास वाटर के प्रेजेंट है. समझ में आ गई बात आपको. अब मुझे इसमें सॉल्वेंट का मोल सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बताना है तो फर्स्ट ऑफ मुझे इस वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू गिवन मास ऑफ वाटर विच इज 1000 ग्राम. ओके, अपॉन में मॉलिकुलर मास. मॉलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का, 18 अभी हमने कैलकुलेट किया था. ओके, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये सिंपली आएगा 55.5 के अबाउट. ओके, अब यहां से मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर भी पता है. समझ में आ गई बात आपको. अब अगर मैं यहां से फाइनली कैलकुलेट करना चाहूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. ओके, तो मैं सॉरी मुझे मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सॉल्यूट का, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स मींस सॉल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. ओके, कैसे करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है मेरे पास 1 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो है मेरे पास वो कितना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉरी सॉल्वेंट इज 55.5 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 1, क्योंकि नीचे मुझे टोटल रखना होता है, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट ही प्रेजेंट है तो ये सॉल्वेंट के और ये सॉल्यूट के, और मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ किसका, सॉल्यूट का, तो ऊपर मैंने किसके नंबर ऑफ मोल्स रख दिए, सॉल्यूट के. ओके, और जब आप फाइनली यहाँ से इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/56.5 ये ऐसे आ रहा है, और फाइनली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर आप देखें तो कितना आएगा, इट इज 0.018. ओके, आप कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, दिस विल कम आउट टू बी 0.018. समझ में आ गई बात आपको. तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ से सॉल्व हो जाएगा. ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये. बढ़िया इसलिए क्योंकि देखिए एक तो क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत ही अटपटी थी, पहले तो हमें क्वेश्चन ही समझना पड़ेगा, देन हमें सॉल्वेंट भी जो है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. सॉल्वेंट इज अंडरस्टूड इन द क्वेश्चन. ओके, और इसके बाद ही आप फाइनली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. साथ ही अगर आपको मोलैलिटी एज वेल एज मोल फ्रैक्शन के टर्म्स के बारे में पता ना हो तो भी आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते. समझ में आ गई बात. तो इस तरह से ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है 2 मार्क का. इस क्वेश्चन के लिए आपको पूरे 2 मार्क अलॉट किए जाएंगे. ओके, तो चलिए इस अच्छे क्वेश्चन के बाद हम एक और बेहतरीन बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं. अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट एज सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. अगर 18 ग्राम ग्लूकोज 1000 ग्राम सॉल्वेंट में प्रेजेंट है तो द सॉल्यूशन इज सेड टू बी, तो सॉल्यूशन को क्या कहा जाएगा. ऑप्शंस हैं 1 मोलर, सेकेंड ऑप्शन इज 0.1 मोलर, थर्ड वन इज 0.5 मोलर एंड फोर्थ वन इज -0.1 मोलर. ओके, चलिए करते हैं, बहुत ही अच्छा है. मोलर मींस मोलैरिटी, आप ध्यान रखेंगे 0.1 मोलर मींस 0.1 मोलैरिटी, तो इस तरह से आप इस स्पीच को ध्यान में रख सकते हैं. ओके, मुझे दे रहा है कि कोई सॉल्यूशन है, कोई सॉल्वेंट है 1000 ग्राम. ओके, सॉल्वेंट है और उसमें 18 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट है.
18 ग्राम ग्लूकोज ओके इस सॉल्वेंट में, समझ में आ गई बात आपको। और मुझसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी ओके इन द टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। अब अगर मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है इस सॉल्यूशन की तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, यहाँ सॉल्यूट कौन है ग्लूकोज। सेकेंड वन मुझे वॉल्यूम पता होना चाहिए सॉल्यूशन का, समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए सबसे पहले तो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ग्लूकोज के। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज इज इक्वल्स टू गिवन वेट, गिवन वेट कितना है ग्लूकोज का 18 ग्राम ओके अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का कितना होता है 180 ग्राम ओके। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6। तो यहां से आप ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट जब कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम आउट टू बी 180 ग्राम्स, समझ में आ गई बात आपको। तो ये कितना हो गया यहां से हमारा 1/10 ओके, मींस ग्लूकोज के हमारे पास कितने मोल्स हैं 1/10 मोल्स, समझ में आ गई बात आपको। अब सेकंड काम जो है मेरा वो मुझे सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ओके। अच्छा क्या मैं क्वेश्चन में सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करके दे रहा है, नहीं, तो हम क्या रिगार्ड करेंगे वाटर ओके। और अगर मुझे वाटर का वॉल्यूम यहाँ पता करना है तो मुझे उसका मास गिवन है क्वेश्चन में, मास कितना दे रखा है हमें वाटर का 1000 ग्राम सॉल्वेंट का मास ओके। अब यहाँ से देखिए वॉल्यूम से मुझे मास दे रखा है और मुझे वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, कैसे करेंगे वॉल्यूम डेंसिटी मास वाले रिलेशन से। सो वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू मास पर यूनिट डेंसिटी ओके, समझ में आ गई बात आपको क्लियर। अब यहां से देखिए मास मुझे कितना दे रखा है 1000 ग्राम, डेंसिटी वाटर की कितनी होती है मैंने आपको बताया था 1 ग्राम पर लीटर। तो वॉल्यूम कितना आ गया सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ गया 1000 ml। देखिए ये ml में आया क्योंकि डेंसिटी हमने किस में रखी है 1000 ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम किस में आया ml में, मींस इट इज इक्वल टू 1 लीटर, समझ में आ गई बात आपको। अब लीटर में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि मोलैरिटी में मुझे लीटर में ही रखना होता है वॉल्यूम को। चलिए अब सारी वैल्यूज उठा के बस हम फॉर्मूले में रख देते हैं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1/10 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कितना है 1। तो फाइनली यहां से आप जो मोलैरिटी गेट करेंगे वो कितनी आ जाएगी 0.1 मोलैरिटी, मींस मोल पर लीटर ओके, मोलैरिटी और मोल पर लीटर ओके। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हुआ यहां से, ऑप्शन सेकंड 0.1 मोलर सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे कि इट इज 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, समझ में आ गई बात आपको। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड, बहुत ही सिंपल इजी 1 मार्क क्वेश्चन जिसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम्स में ओके। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहां से, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है एंड इट इज बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड्स पी एंड क्यू इज 80 mm एंड 60 mm रेस्पेक्टिवली। दो लिक्विड्स हैं मेरे पास जिनके वेपर प्रेशर है 80 mm और 60 mm, और हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 3 moles ऑफ पी एंड 2 moles ऑफ क्यू ओके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। मुझे कह रहा है दो मेरे पास लिक्विड्स हैं पी और क्यू ओके, इसका जो वेपर प्रेशर है इट इज 80 mm एंड क्यू का जो वेपर प्रेशर है दिस इज 60 mm ओके। मुझसे कह रहा है कि अगर मैं पी के 3 moles ओके और क्यू के 2 moles आपस में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाऊं ओके, पी के 3 moles और क्यू के 2 moles को आपस में मिक्स करके एक सॉल्यूशन बनाऊं, तो इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा ओके। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो पी इज अ वोलेटाइल सब्सटेंस ओके, क्यू इज ऑल्सो वोलेटाइल सब्सटेंस क्योंकि दोनों के पास ही वेपर प्रेशर की एक डेफिनेट वैल्यू है। व्हेन टू वोलेटाइल सब्सटेंसेस आर मिक्स टुगेदर, तो ये कौन सा केस हुआ मेरा राउल्ट्स लॉ का ओके, राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट, समझ में आ गई बात आपको। अब राउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन में दो वोलेटाइल लिक्विड्स को मिला दूं
तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कितना होता है, सपोज कर ले अगर इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो P है, ओके, तो इस जो P होगा ये वो किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ Q, वेपर प्रेशर ऑफ दिस P इन प्योर स्टेट, ओके, इनटू इसके अंदर मीन्स सॉल्यूशन के अंदर P का मोल फ्रैक्शन, समझ में आ गई बात आपको, P का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन प्लस Q का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू सॉल्यूशन के अंदर Q का मोल फ्रैक्शन, समझ में आ गई ना बात आपको, ये क्या है, राउल्ट्स लॉ, ओके, राउल्ट्स लॉ ये कहता है ना कि जब भी दो वोलेटाइल लिक्विड्स आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं तो जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होता है वो उनके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इनटू सॉल्यूशन के अंदर उनके मोल फ्रैक्शंस के मल्टीपल के बराबर होता है, ओके, समझ में आ गई बात आपको। तो अब इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पर जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है हमारा उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, P जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है इज इक्वल्स टू P नॉट P मींस P का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर कितना है 80 mm इनटू XP, काई P मींस मोल फ्रैक्शन ऑफ P इन द सॉल्यूशन। अब देखिए P का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अगर A का निकालना है तो A के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स, समझ में आ गई बात आपको, तो किसका निकाल रहा हूँ P का, P के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं यहाँ पे 3 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूशन में कितने हैं 3P के और 2Q के तो 5, समझ में आ गई बात आपको, प्लस अब देखिए P not Q means 60 mm जो Q का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर है into XQ means Q का मोल फ्रैक्शन इन दी सॉल्यूशन जो कितना होगा यहाँ से, तो Q का निकालना तो Q के नंबर ऑफ मोल्स 2 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है सॉल्यूशन में वो कितने हैं मेरे पास यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो है मेरे पास वो हैं 5, समझ में आ गई बात आपको। अब देखिए जब फाइनली आप इसे यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो दिस इज 16 एंड दिस 12, P इज इक्वल्स टू 16 3 जा 48 प्लस 12 2 जा 24, ओके, फाइनली जब आप यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 2 एंड दिस इज 7 72 mm, ओके, तो ये फाइनली जो आया वो आपके सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मींस कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हुआ, ऑप्शन डी, ओके, 72 mm ऑप्शन डी इज करेक्ट, समझ में आ गई बात आपको। ये भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था विच इज बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ, ओके, राउल्ट्स लॉ कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट्स, ओके, अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे तो इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपको राउल्ट्स लॉ बस ध्यान में रखना होगा, समझ में आ गई बात आपको, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ही अच्छा है, ओरल क्वेश्चन छोटा सा है, क्या हमसे कह रहा है Amongst the following, which one is a colligative property? आपको नीचे चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें से पूछ रहा है कि कौन एक colligative property है इसमें से। Okay, question को करने से पहले, we will understand about colligative properties. Okay, what are colligative properties? जो properties सॉल्यूशन मींस जो भी सब्सटेंस आपको दिया गया है उसके नेचर पे डिपेंड ना करके अगर उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके, मींस वो प्रॉपर्टीज जो सब्सटेंस के नेचर के ऊपर डिपेंड ना करके उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। इन सॉल्यूशन चैप्टर आपने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा होगा, वन इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर, थर्ड वन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड फोर्थ वन इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ओके। तो चलिए हम ऑप्शंस को अपने क्रॉस चेक करते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, ओके, देन सेकंड वन इज विस्कोसिटी, विस्कोसिटी इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड, ओके, तो ये भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकता बिकॉज वाटर और हनी दोनों की विस्कोसिटी अलग अलग होगी, तो ये नेचर ऑफ लिक्विड के ऊपर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है। देन थर्ड वन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, समझ में आ गई बात आपको, कैसे डिपेंड करती, तो आपने देखा भी होगा इक्वेशन में कि पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी वेयर सी इज द कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस, समझ में आ गई, तो यहां से आर और टी अगर हम कॉन्स्टेंट कर दें तो पाई इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू सी,
ओके और पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर सी इज कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन मीन नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या हुए नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल तो इसलिए ये क्या होगी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो हमारा सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए वो करेक्ट होगा डी ऑप्शन जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात कर रहा है सो इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं हो सकता तो सी ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा समझ में आ गई बात आपको बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रिमेंबर पावर के ऊपर डिपेंड करता है ध्यान में रखेंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर इज मैक्सिमम इन विच वन डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर इन मैक्सिमम इन विच वन आपको नीचे चार सब्सटेंसेस दिए गए हैं इनमें से आपको बताना है कि किसके लिए वेपर प्रेशर में डिप्रेशन वेपर प्रेशर में डिप्रेशन मीन्स रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ओके और रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मीन्स जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हो ओके अब चारों ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं इनमें से जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे ज्यादा होंगे उसके लिए डिप्रेशन ऑफ वेपर प्रेशर भी सबसे ज्यादा होगा समझ में आ रही ना बात आपको तो ये इस क्वेश्चन को करने का तरीका होगा अब चलिए देखते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हमारे वो किसमें सबसे ज्यादा है फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारा इट इज 0.2 मोलैरिटी यूरिया यूरिया डजंट आयोनाइज इन एक्वा सॉल्यूशन ओके तो यूरिया के तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें काउंट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये आयोनाइज ही नहीं होगा सेकेंड वन इज 0.1 मोलैरिटी ग्लूकोज ग्लूकोज ऑल्सो डजंट आयोनाइज इन वाटर तो इसके भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम कैलकुलेट नहीं करेंगे देन थर्ड इज 0.1 मोलैरिटी बेरियम क्लोराइड ओके बेरियम क्लोराइड मीन्स BaCl2 ओके BaCl2 अगर आयोनाइज होता है वाटर में तो इट गिव्स अस Ba+2 एंड 2Cl- आयंस मींस टोटल देखिए कितने आयंस मुझे यहां से मिल रहे हैं तीन एक बेरियम आयन और दो क्लोराइड आयन मीन टोटल 3 पार्टिकल्स ओके चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं 0.1 मोलैरिटी मैग्नीशियम सल्फेट मैग्नीशियम सल्फेट मींस MgSO4 ओके और जब ये आयोनाइज होगा तो इट गिव्स अस Mg+2 एंड SO4-2 आयन ओके Mg+2 एक आयन और एक सल्फेट आयन मीन टोटल कितने पार्टिकल्स 2 पार्टिकल्स अब इन दोनों में से किसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है इन BaCl2 सो डिप्रेशन इन वेपर प्रेशर भी किसके लिए सबसे ज्यादा होगा BaCl2 के लिए मींस ऑप्शन सी BaCl2 इज करेक्ट ओके क्यों क्योंकि रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसे हम कहते हैं ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा उसके लिए उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा समझ गए आप ओके वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी बेस्ड है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के ऊपर जल्दी देखते हैं क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग 10% सॉल्यूशन हैव मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर आपको नीचे चार सॉल्यूशन दिए गए हैं विद सेम कंसंट्रेशन सारे 10% कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है जिनके लिए आपको बताना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए होगी अब नाउ व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे लिखकर कमेंट करेंगे ओके समझ में आ गई बात आपको ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे जिसके भी क्वेश्चन का आंसर सही होगा उसे हमारे चैनल की तरफ से एक हार्ट मिलेगा जिससे वो सेटिस्फाई होगा कि भाई मेरा आंसर सही है समझ में आ गई बात आपको सो डोंट फॉरगेट टू कमेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है द वैल्यू ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Na2SO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज व्हाट ओके मुझे एक सोडियम सल्फेट Na2SO4 सॉल्यूशन दे रखा है और मुझसे पूछ रहा है कि इसके लिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर वॉन्ट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू क्या होगी ओके वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या होता है वॉन्ट ऑफ फैक्टर इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी टू द
calculated colligative property. Okay, I is nothing but the ratio of observed colligative property to the calculated colligative property. Observed colligative property or calculated colligative property ka jo ratio hota hai use hi hum kya kehte hain, want of factor. Okay, simply it is said to be number of particles. ओके अगर हम सिंपल सा मतलब अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि यहां पे हमसे किस बारे में पूछ रहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में. ओके, वांट ऑफ फैक्टर मींस आई की वैल्यू पूछ रहा है. ओके, अब Na2SO4 इट इज ए स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. ओके, Na2SO4 क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है. ओके, वाटर में. तो अगर Na2SO4 वाटर में डिसॉल्व होता है सो इट गिव मी 2 टाइम्स ऑफ Na प्लस आयंस प्लस SO4 माइनस 2 आयंस सल्फेट आयंस. ओके, कितने टोटल पार्टिकल्स मुझे यहां से, 2 सोडियम आयंस एंड 1 सल्फेट आयन, मींस टोटल 3 पार्टिकल्स. ओके, सो वैल्यू ऑफ I फॉर Na2SO4 इज इक्वल्स टू 3. 3 पार्टिकल्स मुझे यहां से मिल रहे हैं. ओके, तो जब भी आपसे क्वेश्चन में किसी सब्सटेंस के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू पूछे तो आपको सिंपली उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होते हैं. ओके, बट ध्यान में रखिएगा कि सब्सटेंस का नेचर कैसा है. यहां पे इट इज एन स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट. ओके, तो हम इसे कंप्लीटली आयनाइज कर सकते हैं. अगर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो आपको आयनाइजेशन की कुछ परसेंटेज देगा कि इतने परसेंट तक हमारा सब्सटेंस आयनाइज होता है, जिन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर्स में. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब है हमारा. तो इस क्वेश्चन के लिए, इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी वाला 3. ओके, समझ में आ गई बात. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर. अगेन हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में ही पूछ रहा है. नीचे आपको 4 ऑप्शंस भी दिए गए हैं, ऑप्शन में पढ़ देता हूं. ऑप्शंस आर 1 मोलैरिटी NaCl, सेकंड इज 1 मोलैरिटी BaCl2, थर्ड वन इज 1 मोलैरिटी अमोनियम फास्फेट एंड द फोर्थ वन इज 1 मोलैरिटी सोडियम सल्फेट. 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको मैक्सिमम ऑस्मोटिक प्रेशर वाला बताना है कि कौन सा ऑप्शन होगा. तो आप इसे भी यहां से कमेंट करके आंसर देंगे इस क्वेश्चन का भी. ओके, तो आज की क्लास को चलिए हम अपनी यहीं पे स्टॉप करते हैं. मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लासेस में और भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस के साथ. तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, आप इसे हेल्पफुल समझते हैं फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, तो साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा. अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी में आप तब तक लगे रहें, हेल्थ का भी ध्यान दें. मिलते हैं गाइस हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए कीप अप द जोश. ओके.